सब्सक्राइब कीजिए सर आजम अली यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग रखते हैं चाहे आप उर्दू मीडियम से बिलोंग रखते हैं। अगर आप इन गेस्ट पेपर को कर लेते हैं तो आपके तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये तमाम के तमाम बोर्ड्स के लिए गेस्ट पेपर हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वीडियो को अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में बोलूँगा, आप जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं और अपनी बुक के ऊपर निशान लगा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड वाटर। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ये आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ प्लांट्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूराइन इन द किडनी, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। या ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, राइट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफेट्स एंड हैलोफेट्स। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो एक्सप्लेन एनी टू ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ इनको देख सकते हैं और निशान लगा लीजिए, इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द नर्व सेल आर न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा ये बोर्ड के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी मरतबा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये अगेन वही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इब्ने अल हैथम इन ऑप्टिक्स। इसको इब्ने हैसियम का भी आप नाम देते हो। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लोब्स ऑफ सेरेब्रम। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नर्वस। तो ये सेट नंबर वन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगर सेट नंबर टू के बारे में डिस्कस करें तो इसमें डिफाइन ज्वाइंट, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स, आपने ये क्वेश्चन करना है। व्हाट इज बोन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, इसके बारे में आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम एंड स्केलेटन, एक्सप्लेन रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस एंड कार्टिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, राइट नोट ऑन इट्स डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डिस्कस पोलिनेशन एंड इट्स काइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एड्स, गिव इट्स कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द बर्डिंग विद एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन बाइनरी फिशन विद द हेल्प ऑफ अमीबा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन डिफरेंट वे ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो सेट नंबर थ्री है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आप पहले दो सेट कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये थर्ड सेट इसलिए आपको दिया है ताकि आप तमाम के तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें और आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में आते होंगे। अगर जस्ट आप वो सवाल करना चाहते हैं जो जस्ट आपको सोल्व करने हैं तो आप कोई से इनमें से दो सेट कर लीजिएगा। तो सेट नंबर थ्री को भी अच्छे तरीके से नोट कर लें, इसको देख लें, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल बायोटिक कंपोनेंट्स
of ecosystem, what is acid rain and global warming, describe their causes and effects. ये भी बहुत important long question है. Explain carbon cycle, काफी मर्तबा पहले भी board के exams में पूछा जा चुका है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. Explain nitrogen cycle and nitrogen fixation, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. Explain types of parasitism and ecological paramites, तो इनको अच्छे तरीके से देख लें. ये जितने भी questions आपके साथ यहाँ पे discuss किए गए हैं इनको अच्छे तरीके से देख लें. जस्ट आप यही लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह. जब आपका बायो का पेपर होगा तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तमाम के तमाम बोर्ड्स के लिए हैं. इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना ये किस बोर्ड के लिए हैं, बिकॉज बाद में आप क्वेश्चंस करते हैं ये लाहौर बोर्ड के हैं, सरगोधा के हैं, गुजरामाला के हैं, ये तमाम के तमाम बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इंशाल्लाह यही आपको बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. अल्लाह ताला का नाम लेके इन लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लें, इंशाल्लाह आप जब कल पेपर करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे. आप स्टूडेंट्स का अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई डाउट हो, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को ज़िंदगी में कदम कदम पर कामयाबियों से नवाजे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.